डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। क्लास नाइन्थ चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ये जो चल रहे थे उस समय हम उनकी बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग के द्योतक थे, सिग्नल थे कि जो राजनीति में परिवर्तन आया है यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। क्यों था ये हम इसमें देखेंगे कि इसमें समाज, सोसाइटी और अर्थव्यवस्था पूरी चेंज हो रही थी, बदल रही थी। ये ऐसा समय था कि जब नए नए शहर सिटीज बस रहे थे, नए नए इंडस्ट्रियल एरिया आ रहे थे, रेलवे का काफ़ी डेवलपमेंट, रेल की पटरी और ट्रेन चलना काफ़ी हो चुका था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन संपन्न हो चुकी थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चरम सीमा पे आके अपना सबसे बड़े लेवल पे आ चुका था। अब तक औद्योगिकरण ने क्या किया, औरतों और आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया, क्योंकि पैसा नकद मिलता था, पगार मिलती है तो पगार सबको अच्छी लगती है और ज़रूरत भी बहुत थी इस ज़माने में कि भाई जिसको जो काम मिले, महिला, पुरुष, छोटे बच्चे, बड़ा एक्सप्लोइटेशन का भी आप देखेंगे आएगा, है ना। तो लेकिन जो भी है फैक्ट्रियों में काम मिल गया। हमें ये समझना है, बहुत लंबी लंबी देर की पारी होती थी, हो सकता है 12 से 15 घंटे भी हो और मजदूरी बहुत कम मिलती थी। क्यों तैयार हुए, क्योंकि बेरोजगारी फैली हुई थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ गई तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। जब भाई कोई पूंजीपति उत्पादन तो कर रहा है लेकिन उसके उत्पादित की अगर डिमांड ही नहीं है तो खरीदेगा कौन, तो वो फैक्ट्री बंद कर देता था। बंद करेगा फैक्ट्री तो आप सोचिए किस पर असर पड़ेगा, मजदूर पर। मजदूर कहाँ जाए बेचारे। अब लेकिन जो हुआ सो हुआ, इस चक्कर में शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, शहरों की आबादी बढ़ रही थी। हाइजीन, साफ सफाई का पता नहीं था, पीने का पानी बड़ा मुश्किल था, ऐसी दिक्कतें आ रही थी। अब क्या हुआ, उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर भी रहे थे कि कैसे इनको शहरों में जो बढ़ती जा रही आबादी, क्योंकि ट्रेन पूरे में आ गई। जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, रेलगाड़ी जो है गाँव से शहरों को जोड़ने लग गई। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते थे। व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की। अब वो चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने मार्ग देख लिया दोनों कौन, किसकी कह रहा हूँ, रेडिकल और उदारवादी अब समझ गए कि ये जो ईरा आ चुका है ये औद्योगिकरण का ईरा है, समय है। जो भी इसमें शामिल होगा उसको पैसा बनेगा और मिलेगा भी, क्योंकि उत्पादन फैक्ट्री कल्चर आ चुका है तो वो बिकेगा और बिकेगा तो मुनाफा होगा ही होगा। समझ में आ गई बात, बिल्कुल आ गई। तो अब क्या करें, किस रास्ते पे हम चले हैं, इस रास्ते पे चलते हैं कि जिसपे फैक्ट्री डाली जावे, उत्पादन हो, है ना, और सस्ते में मजदूर है, सस्ते के मजदूर हैं, इससे हम धन दौलत इकट्ठा करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा ये मैटर, बहुत ही रुचिकर है। उनको ये भी लगता था कि मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है, ये भी इनकी सोच में आ गई। अगर मजदूर कैसे हों, हट्टे कट्टे काम में मजबूत होंगे और क्या चाहिए होगा। नागरिक जो हैं, अब जो बाकी मजदूरी करने नहीं आ रहे, अगर वो थोड़ा पढ़ लिख जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अच्छे वर्कर साबित होंगे, हमारे दफ्तर चलाने के लिए, कार्यालय चलाने के लिए आदमी मिल जाएगा। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। क्या कहते थे, व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। इन दोनों का ही क्या क्या हो कि व्यक्तिगत तो आदमी ऐसा हो, कोशिश करे, मेहनती हो और खूब उद्यमशीलता उसमें हो, लगा रहे मतलब काम में।
उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। ये इनकी सोच थी कि समाज कब तरक्की करेगा, जब अच्छे सेहत के मजदूर होंगे, अच्छे मैनेजर और वर्कर्स मिल जाएंगे जो हमारी इस औद्योगिक क्रांति में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और क्या क्या हो जाएगा, हर व्यक्ति को फ्रीडम दो कि तुम काम कर सकते हो, गरीबों को रोजगार मिल जाएगा अगर हम ये बात फैलाएंगे। और जिनके पास पैसा है उनको रोक टोक कोई भी उद्योग धंधा लगाने का चांस दे दो तो व्यापार बढ़ेगा तो हम सबको फायदा होगा। पढ़े लिखे लोगों को भी हम सस्ते में नौकरी पर रख लेंगे, मजदूरों को तो रख ही रखा है, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, 19वीं सदी के शुरुआत के दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों में पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। अब लोगों को समझ आ गई कि हमको रोजगार पे कौन रखेंगे, पैसा किसके पास है, पैसा कहाँ है जो मुझे पगार देगा, जो मुझे नौकरी पे रख देगा और सैलरी या तनख्वाह या वेतन देने लग जाएगा। अब गांवों से निकले हुए बेचारे स्त्री पुरुष और बच्चे किसके आगे पीछे नाचने लग गए, उदारवादी और रेडिकल के आगे। ये कैसे कैसे, या तो इनकी पार्टी के नजदीक जाओ या इन लोगों के पास जाओ, इनके ग्रुप्स के पास जाओ, गरज है रोजगार करने की तो ढूंढना तो पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। देख लीजिए 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन के गरीबों की दशा उसी समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से, हेनरी मेयो, लंदन लेबर एंड लंदन पुअर 1861। तो ये लोग कहाँ से आए, गांवों से आए, कैसे आए, ट्रेनों से आए। जिसको जो भी काम मिल जाता है वो बेचारा जाके कर लेता है, क्योंकि एक डर और भी है कि भाई किसी फैक्ट्री में ताला लगा दिया कि भाई 15 दिन मैं काम नहीं कर रहा, जब क्या होगा, मजदूर कहाँ जाएगा, छोटा बच्चा या महिला है, महिला को वो तो और सस्ते में काम करना पड़ेगा, महिला की पगार और कम है, पुरुष से भी कम है, और छोटे बच्चे हैं तो उनको तो और ही शोषित वर्ग है, वो तो बहुत ही छोटे बच्चे तो बहुत परेशानी का जीवन जी रहे थे। देख सकते हैं आप क्या हालत है, इमेजिन कीजिए कैसी कंडीशन है, सोने को ऊपर की छत आप देख सकते हैं कैसी, इतने सारे लोग एक छोटे से कमरे में समाये हुए। यूरोप में 1815 की बात करते हैं, जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में आ गए। अब फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के अब परेशान बहुत हो गए, राजाओं को क्या करो, तख्ता पलट कर दो, हमारा जीवन इतना मुश्किलों में बीत रहा है और ये राजसी ठाट बाट से रह रहे हैं। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे कि जिनमें सभी नागरिकों के समान अधिकार हों। अब एक बात ये जब विचार चल पड़ा समान अधिकार के, क्यों मैं इतने आराम में रह रहा हूँ और क्यों ये व्यक्ति इतने कष्ट में रह रहा है, इसी को समान अधिकार बोला जाएगा। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसिप माज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। आपको मैं याद दिला दूं, नाम याद रखिए, गिसिप माज़िनी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे, लेखक भी थे, क्रांतिकारी नेता भी थे, किताबें लिखी, भाषण दिए। अब चलते हम यूरोप की तरफ। यूरोप में समाजवाद का आना क्या हो गया, सोशलिज्म का आना, समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवादी थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। देखिए मैंने कहा कि ये जो हमारा चैप्टर है ये फुल ऑफ आइडियाज है, इसमें आपको समझना यह है कि विचार बहुत ज्यादा दूरगामी है, दूर तक विचार फैल गए। हुआ यही, इस चैप्टर की पूरी जान, पूरी जो बात है
इसमें है विचार, आइडियाज आइडियाज आइडियाज। गरीब है तो भी उसके दिमाग में विचार है, अशिक्षित है तो भी उसके पास विचार है, चल लिबरल है उदारवादी है कैसा भी है व्यक्ति, उसके पास विचार है। और विचार फैल भी गए, उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे कि समाज में बटे जो भी पैसा है वेल्थ संपत्ति पर, वो ये लोग क्या सोशलिज्म वाले समाजवाद वाले निजी स्वामित्व को अच्छा नहीं मानते थे, ये हमको समझना है। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। यानी इन्होंने क्या कहा, देखिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ये जरूर याद रखिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी इतना तो मेरे लिए याद कर ही लीजिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी समस्याओं की, समस्याओं ऐसे ही बोलते हैं, समस्याओं की जननी है। कि समाज में जो एक सा चैन सबको नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी समस्याओं की जननी है, सबके लिए समस्या पैदा कर देती है ये, इस वजह से ही सबके जीवन में क्लेश आता है। तो ये लोग निजी संपत्ति के विरोधी थे। ये लोग ये कहते थे कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या क्या है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब है, पूंजीपति बन जाता है वो उस समय, कैपिटलिस्ट, वो कहता है मुझे और मुनाफा चाहिए, तो गरीबों का शोषण शुरू होगा निश्चित रूप है। सो वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। और इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का अधिकार हो तो क्या होगा, साझा सामाजिक के तौर पर सबका, आपका भी भला मेरा भी भला, अच्छी तरह हम फोकस ध्यान दे सकते हैं। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। लेकिन पूंजीपति क्या चाहता है, हम पहले ऊपर की बात समझ लें, पूंजीपति क्या चाहता है, कैपिटलिस्ट पूंजीपति जिसके पास पैसा है, कैपिटलिस्ट इसका मतलब हो गया जिसके पास पूंजी है, ये पूंजीपति है, ये क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, फायदा हो मेरा, ये व्यक्तिगत फायदा देखता है। ये किसका साथी बनता है, शोषण का, शोषण तो होगा नियम है, ये पूंजीपति है इसके पास पैसा है, लेकिन विचारक क्या कह रहे हैं कि इसके जो जितना भी इसके पास पैसा है उसको क्रियाशील तो हमने ही किया, जो भी इसके पास फैक्टर है पैसा है उसको क्रियाशील तो हम मजदूरों ने ही किया, मजदूर वर्ग, मजदूरों ने काम किया फैक्ट्री में आके, जब ही तो मुनाफा हुआ, उत्पादन किसने किया, पूंजीपति ने नहीं, वो तो अपने चैम्बर में बैठा रहता है, असली काम कौन कर रहा है, मजदूर, मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूरों ने उसकी जमीन को उसके ट्रैक्टर को उसकी खेत को क्रियाशील कर दिया, तो मजदूरों को फायदा मिलना चाहिए, जबकि मौज कौन मार रहा है, फायदा पूंजीपति, शोषण किसका हो रहा है, मजदूरों का। तो मैंने आपको कहा है कि ये चैप्टर बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और विचारों पर बेस है ये। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, बिल्कुल कायदे की बात है कि बिना पैसे तो कोई भी आदमी कैसे काम करेगा, समाजवादी समाज का आधार क्या होगा, ये भी सवाल पूछते हैं कि समाजवादियों के पास भविष्य के लिए क्या प्लान है, उनकी दृष्टि कुछ और ही थी, कोऑपरेटिव, क्या बना दो, कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवेन, 1771 इतने रही है,
कौन है रॉबर्ट ओवेन, जाने माने उद्योगपति हैं। अब नए इंडियाना में अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का विचार बनाया, कोशिश की। कुछ समाजवादी मानते थे केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते, तो क्या करो, वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। ये विचार किसका है? सामूहिक उद्यम, न्यू क्या लिखा है, न्यू हार्मनी, नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया, कोशिश की अमेरिका में। किसने? रॉबर्ट ओवेन। क्या बनाने की कोशिश की? नया समुदाय। ये जो हम छोटे छोटे नोट्स लिख रहे हैं, कृपया करके आप भी लिखें, अपने पास एक रखें नोटबुक। नया समुदाय क्या हो? सामूहिक खेती की विचारधारा रखी। मैंने कहा ये विचारों पर सामूहिक खेती, तो ये विचार किसके हैं? रॉबर्ट ओवन के आइडियाज। इस तरह से मेंटेन करते जाइए, आपको भी ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। एग्जाम से पहले जब हमको छोटे छोटे दिखाई देंगे अपनी नोटबुक में, तो बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगा पूरा वीडियो भी और पूरी किताब भी आपकी, है ना। तो इन्होंने इसमें कहा कि सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। ये क्या चाहते थे? कि सरकार अपनी तरफ से ही प्लान बनाए, सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। मेरे पास खेत नहीं है, किसी के पास नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। पूरी जो जमीन है खेती बाड़ी योग्य, उस पर सब लोग जाके खेती करेंगे, उत्पादन होगा, सरकार उसको ले लेगी, सरकार बेचेगी और सरकार ही सब में वो पैसा बांट देगी जो फसल बेचने से सबको मिलेगा। समझे जी? आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं इसमें। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लैंक ये क्या सोचते थे? कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। अच्छा, कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य में किए गए काम के हिसाब से, जैसे किसी ने 20 दिन काम किया तो उसके हिसाब से उसको मिल गया। कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1818-1882, और फ्रेडरिक एंजल्स 1820-1895, इस डायरेक्शन में बहुत काम किए, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए। कि मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। आइए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स हर तरह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूंजीपति मजदूर, इनको क्या मिल रहा है, हमें क्या समझना है, इनको क्या मजदूरी ही तो मिल रही है, इनको क्या मिल रहा है, मुनाफा या फायदा, लाभ ही लाभ की स्थिति। इधर क्या है? लाभ ही लाभ की स्थिति है, सारा का सारा लाभ तो ये ले जाते हैं। जबकि काम कौन कर रहा है? कार्य मजदूर कर रहा है। किसका शोषण हो रहा है? मजदूर का। और इसके पास सिर्फ क्या है? जमीन, पूंजी और उद्यमशीलता है थोड़ी सी। इसका ये अस्वाभाविक फायदा उठा रहे हैं। क्षमा कीजिए अगर हिंदी लिखने में मुझे कोई दिक्कत होती है थोड़ी सी, तो ये उद्यमशीलता लिखा है मैंने। ओके, समझिए जरा बात को। कार्ल मार्क्स ने विचार दिया कि ये पूंजीपति वर्ग है,
ये सिर्फ बैठे बैठे इनके काम किए गए उद्योग धंधे कौन चला रहा है? मजदूर। उत्पादन कौन कर रहा है? मजदूर। मुनाफा कौन ले रहा है? पूंजीपति। लाभ की स्थिति में कौन है? पूंजीपति। इनके पास है क्या? सिर्फ जमीन, पूंजी और उद्यमशीलता, तीन चीजें। असली तो काम करने वाला मजदूर है और उसको मिल क्या रहा है? मजदूरी। काम के कितने घंटे हैं? हो सकता है 10 से 15 घंटे भी होते होंगे रोजाना। शोषण को किसका हो रहा है? मजदूर का। थोड़ा सा कितना पगार मिल रही है, कितना इसको वेतन मिल रहा है, मान लीजिए सिर्फ खाने भर का। इन्होंने ये विचार दिया कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर। इन्होंने कई तर्क पेश किए। बात तो वाजिब लगती है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। असली काम तो मजदूर कर रहा है, कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने कहा। और इधर लुई ब्लैंक ने क्या, ये चाहते हैं कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, कलेक्टिव। कहां के? लुई ब्लैंक फ्रांस के। समझ लीजिए, लुई ब्लैंक नाम थोड़ा याद रखिए, लुई ब्लैंक BLANC। कहां के हैं? फ्रांस के। इन्होंने क्या डिमांड रखी कि सरकार खुद क्या करे? कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज लगा दे, कोऑपरेटिव सामूहिक है ना, कोऑपरेटिव वर्क्स लगा दे। वर्क्स यानी उद्योग धंधे, ये लगा दे कोऑपरेटिव वर्क्स। कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के। कि सरकार ही कोऑपरेटिव वर्क्स लगा दे, ठीक है। लुई ब्लैंक ने ये बात कही। ये विचारक हैं बहुत बड़े बड़े। आइए, मार्क्स का मानना यह था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह लाभ का संचय, मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की पोजीशन कभी भी ठीक नहीं होगी, कभी भी इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कभी ठीक नहीं होगी। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। यानी एक क्रांतिकारी विचारधारा वाले लेखक हैं और बड़ा असर पड़ा इनका। मार्क्स का मानना था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना पड़ेगा, जिसमें सारी संपत्ति किसकी हो? सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। मतलब कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी, क्या नया नाम दिया? कम्युनिस्ट, साम्यवादी समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत एंड में मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। तो इस मॉडल को उस समय की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया ने माना भी, रशिया इसी पैटर्न पे चला भी। आगे चल के थोड़ा सा बदलाव आया है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं, मार्क्स का मानना क्या था? निजी पूंजीपति बंद हो जाने चाहिए, और अगर ऐसा चलता रहा तो सारा का सारा मुनाफा निजी पूंजीपतियों के हाथ में जाता रहेगा और मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा, चाहे खून खराबा करना पड़े। और कर लीजिए, मजदूरों को एक अन्य भिस्म के अलग तरह की सोसाइटी बनानी पड़ेगी, जिसपे संपत्ति जो वेल्थ है, जैसे फैक्ट्री है ना, कोई उद्योग है, खेती बाड़ी जो भी है, पूरे समाज का हक होगा, ना मेरा ना आपका, सरकार का है ना, ऐसा बनाओ। इसको उन्होंने नया नाम दिया क्या? कम्युनिज्म साम्यवादी, जिसमें सब बराबर हैं। इनका मानना था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरों की ही होगी, है ना। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज भी बनेगा। तो कार्ल मार्क्स पे चर्चा की जाए उतनी कम है, इनकी बहुत फेमस किताब है, आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। जब तक के लिए आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू।